हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि हमारे टीवी में ब्लूटूथ नहीं है तो हम उसमें ब्लूटूथ हेडफोन कैसे कनेक्ट करें, ब्लूटूथ स्पीकर कैसे कनेक्ट करें या फिर ब्लूटूथ होम थिएटर वगैरह कैसे कनेक्ट करें। यहाँ फ्रेंड्स, जो नोकिया का टीवी आया है, जो मोटोरोला का टीवी है, उसमें भी हम ब्लूटूथ के जरिए एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी डिवाइस के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने टीवी को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने टीवी में ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ होम थिएटर वगैरह आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। नोकिया के टीवी और मोटोरोला के टीवी में भी आप उस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये पैकिंग में आया है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें एक इसका ये मैनुअल बन जाता है, इसे कैसे यूज़ करना है वो इसकी एक छोटे से मैनुअल है इसमें। इसके साथ में एक ये 3.5 mm जैक वाली वायर आती है। इस तरीके की ये छोटी सी डिवाइस है। आपने बहुत सारे इस तरीके के ऑडियो रिसीवर भी देखे होंगे, लेकिन ये ऑडियो रिसीवर नहीं है, ये ब्लूटूथ ट्रांसमीटर है और रिसीवर भी है। ये ड्यूल मोड है, तो इसमें हम रिसीवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसे ट्रांसमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक LED लाइट यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर अगर ब्लू LED लाइट जलती है तो इसका रिसीवर मोड ऑन हो जाता है, और यहाँ पर अगर रेड लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसमीटर मोड पे है। तो यहाँ पर इसमें कोई बटन नहीं दिया है उसको स्विच करने के लिए कि हमें कैसे रिसीवर मोड ऑन करना है और कैसे ट्रांसमीटर मोड ऑन करना है, इसका कोई बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो आगे जब मैं इस डिवाइस को आपको चेक करके दिखाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसका मोड चेंज करते हैं। तो इसे सिंपली क्या करना है कि इसे हमें टीवी के USB पोर्ट में लगाना है, और टीवी के बैक साइड में अगर कोई 3.5 mm जैक आउटपुट वहां पर दिया है तो उसे यहां पर कनेक्ट कर देना है, और अपने टीवी की ऑडियो सेटिंग में जाकर उसे हेडफोन मोड या फिर एक्सटर्नल स्पीकर पे हम उसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये डिवाइस ऑन हो जाती है। जब ये डिवाइस हम टीवी में कनेक्ट कर देंगे तो इसके बाद में अपना जो ब्लूटूथ स्पीकर है या ब्लूटूथ हेडफोन है, इस डिवाइस के थोड़ा सा पास में लेकर जाएंगे 1-2 फुट की दूरी पे, तो ये ऑटोमेटिक ही पेयर कर लेगा। जो भी ऑटोमेटिक नियर बाय इसके पास में ब्लूटूथ डिवाइस होगी 1 मीटर की रेंज में, ये उसे कनेक्ट कर लेगा। यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस का ट्रांसमीटर मोड चेक करके दिखाऊंगा, अपने टीवी पर रिसीवर मोड चेक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि रिसीवर मोड के बारे में सब जानते ही हैं। नॉर्मल ये जो ऑडियो रिसीवर आती हैं उसी की तरह ही ये सेम वर्क करता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसका ट्रांसमीटर मोड जो है वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं अपने आपको टीवी पर ले चलता हूँ और वहाँ इस डिवाइस को चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ऑडियो ट्रांसमीटर को मैं अपने टीवी पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं बता दूं कि कुछ टीवी में 3.5 mm आउटपुट दिया होता है हेडफोन या एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट करने के लिए, और किसी किसी टीवी में जो है वो 3.5 mm जैक नहीं दिया होता है, वहाँ पे RC आउटपुट दिया होता है जिसमें ये वाली केबल लगती है, और किसी किसी टीवी में ना 3.5 mm जैक दिया होता है ना वहाँ पर RC आउटपुट दिया होता है, वहाँ पर डिजिटल ऑप्टिकल आउट दिया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आपके टीवी में 3.5 mm जैक दिया है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली इस अपने डिवाइस को USB पोर्ट में लगा देना है टीवी के, और या फिर आप इसे मोबाइल के चार्जर से ही पावर दे सकते हैं, पावर बैंक से पावर दे सकते हैं। तो यहाँ सिंपली आप अपने टीवी के USB पोर्ट में लगा दीजिए, इसको पावर मिल जाएगी, और इसके साथ में जो ये वायर आई है इसको आप इसका इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, और इसको आपके टीवी के बैक साइड में जो 3.5 mm आउटपुट दिया होगा इसको वहाँ पर लगा दीजिए, और अपने टीवी की ऑडियो सेटिंग में जाकर आप उसे हेडफोन मोड या फिर एक्सटर्नल स्पीकर का मोड होगा वहाँ पर उसे सिलेक्ट कर दीजिए, और इसके पास में आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन को लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक उसे कनेक्ट कर लेती है। और अगर आपके टीवी में 3.5 mm जैक नहीं दिया है, वहाँ पर RC आउटपुट दिया है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक कनेक्टर परचेस कर लेना है, ये 20-25 रुपए का मिल जाता है। यहाँ पर 2 RCA पोर्ट होते हैं और यहाँ पर एक 3.5 mm फीमेल जैक होता है। तो सिंपली आपको इसे USB पोर्ट में लगा देना है और इसे यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है, और इसे अपनी टीवी में जो RCA आउटपुट दिया है इसे वहां पर कनेक्ट कर देना है। ये डिवाइस 100% सभी पोर्ट में वर्क करती है। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आपके टीवी में डिजिटल ऑप्टिकल आउट दिया है तो आपको इस डिवाइस को उसमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर चाहिए होगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आप इस डिवाइस को भी कनेक्ट कर पाएंगे, और दूसरा आप जो नॉर्मल आपके स्पीकर होते हैं उसको भी आप डिजिटल ऑप्टिकल पोर्ट में लगाकर इस डिवाइस के थ्रू चला सकते हैं। इस डिवाइस का मैंने अपना फुल रिव्यू अपने इस वीडियो में किया है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप इस डिवाइस के बारे में पूरी डिटेल उस वीडियो से जान सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ, ये जो डिवाइस है ये ऑडियो रिसीवर और ऑडियो ट्रांसमीटर का भी वर्क करती है। ऑडियो रिसीवर मोड पे आप अपने पुराने जो स्पीकर है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है उन्हें ब्लूटूथ इनेबल बना सकते हैं, उसमें ये लगा सकते हैं, और ट्रांसमीटर मोड पे इसे आप अपने टीवी को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर वैसे तो कई डिवाइस आती हैं, उसमें एक बटन दिया होता है ट्रांसमीटर मोड और रिसीवर मोड पर जाने के लिए, यहाँ पर बटन नहीं है। यहाँ पर सिंपली इसमें मोड चेंज करने के लिए आपको सिर्फ इसको ऐसे करके पावर देनी है और फिर से निकाल कर फिर से इसको लगा देंगे, तो दोबारा आपको ऐसे लगाना है तो उसका जो मोड है वो चेंज हो जाता है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर जो है रेड लाइट जल रही है, तो रेड लाइट पर ये ट्रांसमीटर मोड इसका वर्क करता है और ब्लू लाइट पर इसका रिसीवर मोड जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर मुझे मोड अभी अभी जो है ये ट्रांसमीटर मोड पे है क्योंकि इसमें रेड लाइट जल रही है, और यहाँ पर अगर मैं दो बार इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो इसमें जो है ब्लू लाइट जलने लगेगी। तो आप देखेंगे कि ब्लू लाइट जल रही है, तो यानी कि इसका जो है रिसीवर मोड ऑन हो गया है। अब मैं ट्रांसमीटर मोड पर जाने के लिए फिर से इसके एक बार कनेक्ट करता हूँ और 10 सेकंड से पहले निकाल के इसे दोबारा कर देता हूँ तो इसमें रेड लाइट जलने लगेगी। अब यहाँ पर जो है इसका ये ट्रांसमीटर मोड ऑन हो गया है। यहाँ मेरे टीवी में ना RCA आउटपुट दिया गया है, ना यहाँ पर 3.5 mm जैक दिया है, यहाँ पर डिजिटल ऑप्टिकल आउट दिया है, तो उसमें मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डिजिटल ऑप्टिकल आउट पर ही जो केबल है मैंने टीवी से कनेक्ट कर दी है, और इसको मैं यहाँ पर जो पोर्ट दिया गया है इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, और जो RCA पोर्ट है वो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। इस डिवाइस के थ्रू फ्रेंड्स यहाँ पर डिजिटल साउंड आ रहा होगा और यहाँ से ये एनालॉग ऑडियो को जो है कन्वर्ट कर देगा, तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो डिवाइस के साथ में ये जो वायर आई है इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब इसे आप टीवी के USB पोर्ट में लगा सकते हैं इसको पावर देने के लिए। तो मैं यहाँ टीवी के USB पोर्ट में नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसे एक पावर बैंक है तो इस पावर बैंक के थ्रू यहाँ पर मैं पावर इसको दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है रेड लाइट ब्लिंक करने लगी है। चलिए मैं टीवी ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप साउंड सेटिंग में देख सकते हैं कि ये साउंड आउटपुट में मैंने यहाँ पर ऑप्टिकल सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि टीवी से डिजिटल ऑप्टिकल आउट के थ्रू मैंने यहाँ पर आउटपुट लिया है, तो यहां पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑप्टिकल आउट आ रहा है, और मेरे पास में एक ही ब्लूटूथ हेडफोन है तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा, तो इसको मैं यहां से ऑन कर देता हूं। तो फ्रेंड्स अब जो ये कनेक्ट हो गया है, और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। यहां पर देखेंगे कि आप ऑप्टिकल आउट ही आ रहा है, और मैं यहां पर यूट्यूब में प्ले कर देता हूं कुछ। तो फ्रेंड्स अब आप सुन रहे होंगे मेरे हेडफोन से, ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। इसमें मैंने यह माइक में हेडफोन लगाया है और यहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जो टीवी की जो वॉइस है वो इसमें आ रही है हेडफोन में, इस डिवाइस के थ्रू ये जो हेडफोन है वो इस डिवाइस से कनेक्ट हुआ है। यहाँ आप देखेंगे साउंड में अभी यहाँ पर ऑप्टिकल आउट ही आ रहा है, और ये हेडफोन में आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने नॉर्मल टीवी को ब्लूटूथ टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके टीवी में 3.5 mm जैक दिया है तो आपको कोई भी कनेक्टर वगैरह परचेज नहीं करना, डायरेक्ट आप उस ऑडियो ट्रांसमीटर को अपने टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टीवी में 3.5 mm जैक नहीं दिया है, RCA ऑडियो आउटपुट दिया है, तो आपको ये कनेक्टर परचेज करना पड़ेगा। इधर 3.5 mm फीमेल होता है और इधर दो RCA पोर्ट होती हैं, तो आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। और आपके टीवी में ना 3.5 mm जैक दिया है, ना RCA ऑडियो आउटपुट दिया है, लेकिन डिजिटल ऑप्टिकल आउट दिया है, तो फिर आपको ये डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर उसके लिए परचेस करना पड़ेगा। इस कनेक्टर और इन डिवाइस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, तो आप उसे वहां से परचेस कर सकते हैं। इन डिवाइस के बारे में आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।